ओके गाइस, अगर आप 500 रुपए के बजट पे कोई गेमिंग ईयरफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आप पबजी के फुटस्टेप्स आसानी से सुन पाए एंड उसके अलावा आप उसमें एक डीप बेस म्यूजिक भी सुन पाए, ओवरऑल दोनों ही काम कर पाओ, सो गाइस आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे बेहतरीन गेमिंग ईयरफोन्स जो कि आपको अंडर 500 रुपए के बजट पे देखने को मिल जाते हैं। इनमें से कुछ सिंगल ड्राइवर एंड कुछ डुअल ड्राइवर्स भी आते हैं एंड आई एम डैम श्योर इन ईयरफोन्स को परचेज करने के बाद आपको आपका बूया या फिर चिकन डिनर जरूर मिलेगा। बाकी गाइस सभी ईयरफोन्स का जो बेस्ट डिस्काउंटेड बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, सो दैट किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बाकी गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस एट नंबर 5 आपको जो ईयरफोन देखने को मिलेंगे ये बोल्ट की तरफ से आ जाते हैं, बोल्ट के बास बर्ड्स। अभी ये जो ईयरफोन्स है ना अराउंड 350 रुपीज में काफी अच्छी साउंड आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अराउंड 45 डिग्री टिल्ट पे ये ईयरफोन्स आते हैं जो पहनने में काफी इजी रहते हैं। अभी ऊपर की तरफ आपको लूप मिल जाता है वायर का जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा करता है। इसके अलावा ये एज अ ईयर लॉक भी काम करता है, तो अगर आप इसको लगाते हो और जॉगिंग भी करते हो ना तो आपके कानों में से निकलेंगे नहीं, आप हिलते डुलते हो तब भी नहीं निकलेंगे। बाकी गेमिंग के लिए एट 350 रुपीज आप इसको परचेस कर सकते हो। आपको इनलाइन माइक देखने को मिल जाएगा एंड इसका जो ड्राइवर है अराउंड 12 mm का आता है, काफी पावरफुल ड्राइवर है एंड यार 350 रुपए के बजट के हिसाब से आपको काफी अच्छी ऑडियो प्रोवाइड करते हैं। बाकी एल शेप्ड कनेक्टर मिलता है, गोल्डन प्लेटेड आता है जो कि तो काफी ड्यूरेबल है एंड इनका जो बेस है वो भी काफी अच्छा है, तो अगर आप म्यूजिक लिसनिंग करते हो एंड डीप बेस चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। वोकल्स भी ठीक ठाक है ओवरऑल। बाकी माइक आपको इतना अच्छा नॉइज कैंसिलेशन प्रोवाइड नहीं करता, आप अपने टीममेट्स के साथ अगर बात करोगे ना तो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज उसमें जाती है। बाकी एज एन गेमिंग ईयरफोन अगर आप 350 रुपए के आसपास कोई देखते हो तो काफी सही है। आपको इसके साथ 1 ईयर वारंटी भी मिल जाती है, तो अगर ईयरफोन में कुछ भी होता है तो आप इसको रिप्लेस भी करा सकते हैं। बस एट नंबर 4 जो मैं आपको ईयरफोन बताने वाला हूँ ना, इसकी चर्चा मतलब होती रहती है हर वीडियोस में, जहाँ भी आप ईयरफोन की वीडियो देखोगे। बाकी ये जो ईयरफोन है MI की तरफ से आता है, MI का ईयरफोन बेसिक जो कि आपको 400 रुपीज के प्राइस पे मिलता है। अभी इसका प्राइस घटता बढ़ता रहता है बट 400 रुपीज में इजिली मिल जाता है। ये ईयरफोन भी आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलता है, एल शेप्ड आपको जैक मिलता है, इनलाइन बिल्ट इन माइक मिलता है। इसकी माइक क्वालिटी भी मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी, मैंने खुद यूज किया हुआ है। बाकी जो इसका बेस है ना लाइक म्यूजिक लिसनिंग करनी हो अगर आपको, काफी ज्यादा अच्छा है। गेमिंग में भी कोई ज्यादा इशू नहीं आया मेरे को, मैंने गेमिंग भी करी इससे, लाइक आप पबजी भी खेलते हो कुछ भी खेलते हो फुटस्टेप्स की आवाज एनिमी कहां पर है इजीली आपको पता लग जाता है एंड इसका नॉइस कैंसिलेशन भी काफी अच्छा लगा। और केबल लेंथ भी अराउंड 1.25 मीटर थी तो ठीक ठाक लेंथ थी। बाकी इसके साथ आपको 6 मंथ्स की वारंटी आती है, तो ओवरऑल काफी अच्छा ईयरफोन है। मेटेलिक बिल्ड मिलेगा आपको, ऊपर इसका जो आउटर है वो मेटेलिक एंड अगेन ये भी 45 डिग्री टिल्ट के साथ आता है तो कान में इजिली फिट हो जाता है और ज्यादा स्टर्डी नहीं है, गिरेगा नहीं कान से, तो आप इसको ले सकते हो इजिली, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपको और ज्यादा अच्छे चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अभी गाइस एट नंबर 3 जो ईयरफोन है ये आपको पीट्रॉन की तरफ से मिलता है जो कि एक डुअल ड्राइवर ईयरफोन है, पीट्रॉन का बूम अल्टीमा V2। इनलाइन माइक आपको मिल जाएगा, बटन कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी डुअल ड्राइवर है, तो डुअल ड्राइवर का बेसिकली जो फंडा है वो मैं आपको बता दूं अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आपको 2 स्पीकर्स मिलेंगे इस ईयरफोन में, लाइक एक साइड में 2 मिलेंगे, तो जो हैवी एंड हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होती है लाइक टीममेट से आप बात करते हो बाकी चीजें वो एक ईयरफोन में चलती है एंड जो गेम की साउंड है, गेम की एनिमीज की फुटस्टेप्स की साउंड हो गई वगैरह वगैरह चीजें, वो दूसरे ईयरफोन में चलती है। ऐसा ही म्यूजिक में होता है, बेस वगैरह जो होता है वो आपका एक स्पीकर में चलेगा एंड वोकल्स वगैरह और जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स है वो दूसरे ड्राइवर में चलती है, तो बेसिकली आपको एक काफी अच्छी साउंड मिलती है एंड नॉइस कैंसिलेशन भी इस ईयरफोन का काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको, आपको बाहर की बिल्कुल भी साउंड नहीं आने वाली एंड इसका माइक भी ठीक ठाक है, गेमिंग के लिए अगर आप यूज करते हो तो काफी अच्छा है। गोल्डन प्लेटेड आपको 3.5 mm जैक मिलेगा जो कि एल शेप्ड नहीं आता। बाकी इस ईयरफोन के साथ एक कैरी पाउच भी मिल रहा है आपको, सो दैट आपका ईयरफोन जो है वो इधर उधर गुम ना हो, आप उसको रख सकते हो। टेंगल फ्री आता है, उलझेगा नहीं, आप इसका गुच्छा बना के लाइक जल्दीबाजी में रख भी दो तो ज्यादा उलझेगा नहीं। वायर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट ब्रेडेड तो नहीं कहेंगे अपन इसको, लेकिन ब्रेडेड टाइप का लुक आपको मिल जाता, तो ओवरऑल काफी अच्छा ईयरफोन है। एट नंबर 3 आप अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, अराउंड 500 रुपए के
आसपास ही आता है। बाकी नीचे डिस्काउंटेड बाइंग लिंक दे चुका हूँ, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। गाइस हेयर कम्स नंबर 2 जो कि आपको बोट बेस हेड्स मिल जाएगा 242। वेल बोट के काफी सारे ईयरफोन्स आते हैं इसी बजट रेंज में, बट मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा क्योंकि इसमें आपको गेमिंग का काम तो हो ही जाता है, बाकी म्यूजिक लिसनर्स के लिए भी ये काफी ज्यादा अच्छा ईयरफोन में से एक है। लाइक इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, वैसे ये प्लास्टिक बिल्ड है पूरा, बट इसके जो आउटर है ईयरफोन्स के वो थोड़े हैवी प्लास्टिक में आते हैं। उसके अलावा केबल है, नॉर्मल केबल है जो ईयरफोन्स में आती है। अगर आपने 300-400 रुपए के ईयरफोन्स कभी यूज की हो, लगभग वैसी ही आपको केबल क्वालिटी मिलेगी। ईयर कप्स जो आते हैं ना इसके, उसमें आपको लॉक मिल जाता है, तो बेसिकली आप रनिंग करो, जॉगिंग करो या फिर सर को हिलाओ कितना भी, ये आपके कानों में से गिरेंगे नहीं इजिली। बाकी इनलाइन माइक और इनलाइन बटन कंट्रोल्स मिल जाएंगे वॉल्यूम अप डाउन पॉज प्ले के लिए। इसका जो 3.5mm जैक है वो भी गोल्डन प्लेटेड आता है। आपको कमाल का बेस मिल जाएगा, ज्यादा हैवी बेस नहीं मिलता इसमें, आपको बैलेंस्ड बेस मिलेगा एंड बैलेंस्ड ही आपको ट्रेबल वगैरह मिलता है। 10mm का ड्राइवर है, तो बेसिकली गेमर्स के लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड अगर आप बात करो म्यूजिक की, तो म्यूजिक में थोड़ा बहुत आपको रियलमी जो बड्स आते हैं उससे थोड़ा बहुत कम एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस आता है। काफी अच्छे ईयरफोन्स है एट 500 रुपीज प्राइस। ये ईयरफोन्स आपको नॉर्मली 3-4 कलर्स में मिलते हैं। माय फेवरेट वन इज ऑरेंज ब्लैक कॉम्बिनेशन जो कि काफी ज्यादा एर्गोनॉमिक लुक देता है। बाकी और भी काफी सारे कलर्स अवेलेबल है अमेज़न पे, आप जो भी चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। 1 साल की आपको वारंटी मिल जाएगी। गाइस एट नंबर 1 जो ईयरफोन्स आते हैं, यहाँ पे मैं आपको 2 बताने वाला था वैसे, लेकिन जो दूसरा वाला है ना वो MI का ही आता है, डुअल ड्राइवर, जो कि 700 रुपीज के आसपास है। तो वो 500 रुपए के आसपास नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा महंगा है, बट अगर आता है तो आप ले लेना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो काफी बेस्ट ईयरफोन है। बाकी अभी जो मैंने लिया है वो आपको बता रहा हूँ मैं रियलमी बड्स की तरफ से, रियलमी बड्स का 2 वाला वेरियंट। अभी ये जो है डुअल ड्राइवर नहीं आता, सिंगल ड्राइवर ईयरफोन है, लेकिन सबसे पहला फीचर आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स मिलेंगे इसमें। बाकी इसके जो ईयरफोन है वो भी 45 डिग्री टिल्ट आते हैं, तो कान में से गिरेंगे नहीं इजीली। काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इनकी ओवरऑल। जो केबल है वो ब्रेडेड तो नहीं है, लेकिन ब्रेडेड की तरह ही है। लाइक बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, टेंगल फ्री वायर्स हैं, 3.5mm जैक है ना इसका, वो सिल्वर प्लेटेड आता है। लेकिन अगेन इसका जो साउंड है वो काफी अच्छा है, एकदम डीप बेस आपको मिल जाएगा, वोकल्स अच्छे हैं। लाइक आप जब गेमिंग करोगे तब इसका एक्सपीरियंस आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। गेमिंग में भी काफी अच्छे हैं। अराउंड 11.2mm का इसमें आपको ड्राइवर मिलता है, एंड 60-70% से ऊपर भी आप वॉइस लेके जाओगे तो वो फटेगी नहीं, काफी ठीक ठाक वॉइस आती है। नॉर्मली इसका जो प्राइस है वो अराउंड 600 रहता है, बट कई बार इसका प्राइस 500-450 के आसपास मिल जाता है। एंड जब भी सेल आती है नॉर्मली 5 या 6 दिन में, तो आपको ये 500 रुपए में मिल जाएगा, आप इसको ले सकते हो। बाकी 6 महीने की आपको वारंटी मिल रही है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो ये ईयरफोन्स भी मैं पर्सनली यूज कर चुका हूँ, काफी ज्यादा लंबे चले थे ये। 6 महीने की जो वारंटी थी उसको क्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। बाकी अगर आपको 1 ईयर वारंटी चाहिए, आपको एक लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी चाहिए ना, तो आप बाकी ईयरफोन्स में से देख सकते हो जो मैंने आपको बताया, वो भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आपको। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं, जिनको गेमिंग थोड़ी कम करनी है, ज्यादा गेमिंग नहीं करनी, बट उनको म्यूजिक एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, वो रियलमी बोट या फिर MI, इन तीनों में से कोई सेलेक्ट कर सकता है। बाकी जिनको गेमिंग पर्पस मेन है, उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले पीट्रॉन बूम, उसके बाद रियलमी बड्स 2, एंड देन बोट वाले, एंड देन MI वाले भी काफी अच्छे हैं। तो गाइस बाकी गाइस कैसी लगी है वीडियो बताना नीचे कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, नीचे कमेंट्स में मेरे को ये भी बता दो कि इनमें से कौन से ईयरफोन्स आप सेलेक्ट करने वाले हो या कौन से आप ऑलरेडी ले चुके हो। बाकी गाइस कमेंट में ये भी बताओ किस किस तरह की वीडियोस आपको और देखनी है, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।